मिली गई है इतने सालों से वेस्ट था पहला और बहुत अच्छे से कार्यक्रम हुआ हम लोगों का यहाँ पर। और नमस्कार प्रणाम जय देव की हाल चाल है ठीक ठाक वाला। तो चलिए आज के ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मुझे जो है फंक्शन में जाने के प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम जो है पप्पू कार्तिदा का बर्थडे है, तो उसी उपलक्ष पर मतलब उनकी वाइफ ने जो है कार्यक्रम रखा है। तो वहाँ पर काफ़ी सिंगर्स और काफ़ी लोग आने वाले हैं। तो मुझे कल दिन में पता चला कि मेरे को भी इन्वाइट करा है, तो मुझे रात को वहाँ से मैं दिल्ली से निकल गई और आज जो है अभी मैं प्रोग्राम में जाने के लिए रेडी हो गई। और मेरा माइक एज ऑलवेज जब भी मैं हल्द्वानी आती हूँ मेरा माइक का कनेक्टर जो है हमेशा ख़राब हो जाता है, तो आज भी जो है ख़राब हो गया है। तो पहले मैं कनेक्टर लेने जाती हूँ, उसके बाद वहाँ से मेरे को देखना पड़ेगा कि मुखाने के लिए वहाँ से भी प्रोग्राम में जाने के लिए कहाँ मतलब कौन से रास्ते से निकलते हैं, मेरे को ज़्यादा आइडिया भी नहीं है हल्द्वानी का। तो चलो देखते हैं, अब आगे मैं अब अच्छा वाला माइक ले लूँगी पैसे लगा के ना, बार बार ये कनेक्टर खरीद खरीद के ना मैं थक गई हूँ। तो चलिए आज के व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो दगड़िया मैंने जो है माइक ले लिया है, मतलब कनेक्टर ले लिया, मेरा कनेक्टर ख़राब हो गया था। दीपक दा हंस रहे हैं, दो व्लॉगर एक साथ बैठे हैं घर के। तो अभी मैं भावना कांडपाल के साथ हूँ और हमारे साथ दा आपका नाम भूपेंद्र दा, और आगे मैं रश्मि भाभी और दीपक दा हुए रश्मि दी बोल रही थी। तो अभी हम जो है कहाँ जा रहे हैं, कुसुम खेड़ा जा रहे हैं, फिर वहाँ जाके जो है प्रोग्राम स्टार्ट होगा। बारिश की वजह से जो है थोड़ा झंझट हो गई थी, तो दीपक दा मेरे को यहाँ पर लेने आए। बस हम पहुँचने वाले हैं, अब 3 बजे का था, हम 3:30 तक पहुँच रहे हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ होगा वैसे तो। इसको तो आप जानते होंगे हैं, एंकर ही हमारे साथ है, तो आप कोई चिंता नहीं है कि हम लेट हो जाएंगे करके, ये एंकर कर रहे हैं उसमें प्रोग्राम में। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है अब। ओ हरिया घासा ए क्या ले सूखा ला ए सुआ जेठा का घा हम। तो दगड़िया हम लोग पहुंच चुके हैं और हमारे साथ इनको आपने देखा होगा कहीं गानों में, ये बहुत पुरानी मतलब पुरानी तो नहीं मतलब बहुत सीनियर एक्ट्रेस है, और इनको मैं बचपन में मैं देखा करती थी, इनके गाने मेरे को याद है। तो आज मुझे मौका मिला इनसे मिलने का, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में हमारी उभरती सितारा भावना कांडपाल भी है। हाँ, तो हम लोग पहुँच चुके हैं और काफ़ी लोग आ चुके हैं यहाँ पर, तो अब स्टार्ट होने वाला है, बस एक्साइटेड। ऑडियंस यहाँ पे बैठे, हाय आप भी ब्लॉग बना रहे हो? ओ बाप रे, चाहो पे यहाँ नहीं ब्लॉग बनाना। अच्छा हाय, सारे रील सारे गाने, थैंक यू। आज इन मम्मी आई थी लत है मैं बदल में आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, मेरा चैनल का नाम है तगड़ी पार्टी व्लॉग्स। थैंक यू।
जी को बैज अलंकरण कर एवं शॉल भेंट करके उनको स्वागत करेंगे और लता कुंजवाल जी उनको आशीर्वाद दे रही हैं। लता कुंजवाल जी कुमाऊनी शकुन आखरों की किताब उन्होंने लिखी है और जिसको उन्होंने सीडी में भी संकलित किया है, जिसमें 80 से अधिक गीत हैं और झोड़ा भगनौल छपेली गायिका वो हैं। सांस्कृतिक और सूचना विभाग की ए ग्रेड आर्टिस्ट वो हैं। आकाशवाणी में उन्होंने एक लंबे समय तक काम किया है। अर्पण विशेषज्ञ हैं और दूरदर्शन के सीरियल्स में भी उन्होंने काम किया है। सुन ले दगड़िया बात सुनी जा, बात सुनी जा तू मेरी, हिरनी मैं नाचते रो आँखों में अनवार तेरी। सुन ले दगड़िया बात सुनी जा, बात सुनी जा तू मेरी, हिरनी मैं नाचते। व्लॉग भी और वीडियो भी, चलो अभी वाला व्लॉग भी देखना। एक लड़की होके एक वुमन हूँ, ऐसे मैं औरत हूँ, एक बच्चे की बात, तो मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं इनकी बोलूँगी प्रेज है मुझे इनका, जो ऐसे ऐसे वाला बनाया था, मैंने अपने एक बार लुक दिया था कि अपने बालों का हेयर स्टाइल बनाते हुए इन्होंने वीडियो बनाई थी। आई लव इट, मतलब दिल को छूने वाली थी। मतलब मैंने भी अपने बालों में ट्राई करा बट मेरे से नहीं हो रहा था। मुझे एक टाइम वो मतलब जो हेयर स्टाइल था बहुत पसंद था, पर इनकी वीडियो ये कोई नहीं कर पाता, ये अलग ही है। अपना अपना टैलेंट होता है इनके पास, उसमें परफेक्ट रहते हैं। आप बोल रहे हैं परफेक्ट, मैं भी बोल नहीं पाती हूँ। तो इनका टैलेंट मेरे अंदर नहीं है, मैंने कितनी ट्राई करी थी। बहुत प्यारी है, मतलब जितनी प्यारी है उतना प्यारा इनका नेचर है। तो थैंक यू सो मच हमारे बीच आने के लिए, उत्तराखंड में आने के लिए। कलमुनी मंदिरा गुरुजी के जो बैठूनी धारे माँ उत्ती बेटी देखी था मर लगा जो हारे मुने सारा जो हारे मुने सारा।
ईश्वर की आराधना की आवाज होती से हमद कहते हैं। और तदोत्तरी देवी के बाद सबसे खूबसूरत हमद जो था वो किसी की आवाज में था तो कपूर भारती की आवाज में था। मैं दिल्ली छोड़ के बाहर प्रेम से दिल्ली छोड़ के हल्द्वानी आया तो मुझे एक गीत बज रहा था। उन दिनों एक म्यूजिक चैनल हुआ करता था, वहां पे गीत बज रहा था सिलगड़ रेगा पाला जाना। मैंने अपनी पत्नी से बोला तो यहाँ तो जरा सुनिए गाना, ये आवाज कोई साधारण आवाज नहीं है, ये हमारे पहाड़ का हमद है। और सबसे गजब चीज थी उस पप्पू भारती के अंदर जो नए गायक को सुनना समझना चाहिए वो कहीं संदीप सोनू कैलाश कई लोगों मुझे नजर आता है, वो पहाड़ी भोलापन था, वो हिमालयी भोलापन, बहुत ही सच्चे घट का, बहुत ही सच्चे दिल का, बहुत ही प्यारा सा एक भोला भाला मान रखने वाला आदमी का पप्पू भाई। और जब वो पहली बार मेरे पास आया तो कहा दादा थोड़ी देर बैठेंगे, लेकिन ऐसा समा बना के उसके बाद वो आता रहा। और कैसे हो मेरे पहाड़ वालों और कैसे हो मेरे पप्पू दा के चाहने वालों। आज के लिए ट्रेंडिंग कर लेना पप्पू दा के नाम एक बार सोच रहा था मैं। मतलब ये एक ख्वाब के पूरे होने ऐसा है पप्पू दा वो नाम जिसने हम सब कुछ जितने भी लोग हमें इकट्ठा हुए कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। और आज हम जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं जैसा भी कर रहे हैं उसके पीछे की वजह है पप्पू दा। और आज की शाम पप्पू दा के नाम जो होने वाली है और जो चल भी रही है इतने खूबसूरत कलाकार यहाँ रहे इतने शानदार बड़े बड़े नाम इनके बीच में मुझे आने का मौका मिला ये मेरी खुशनसीबी है। और शुक्रिया आपका कि इतनी मोहब्बत आप देते हैं आज के पप्पू दा को। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम भी बीच में वो कहीं पर है और खुश हो रहा है उसको डरते हुए कह रहे हैं कि हाँ कहा चलो टिकले। तो पप्पू दा के नाम एक बार मैं चाहूंगा कि हम सभी तालियों का कोलाहल पहुंचा जहां भी है जहां तक भी आवाज पहुंच रही होगी तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। और आज वो कह रहे होंगे कि बहुत बढ़िया फॉर्म आ गया है तो सोनू दा तो कमाए नहीं आस पास है आवा यार जरा फॉर्म आ गया तो सुना दियो लाइव में एक मजा ठीक है सुन छा फॉर्म आ गए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई। अरे मारी जानो मेरा अरे मारी जानो मेरा अरे गढ़वाले में बाग लगो गढ़वाले में बाग लगो बाग की माटेरा अरे पापा रे सच्चे बाग की माटेरा अरे पापा रे अरे मारी जानो मेरा अरे मारी जानो मेरा अरे गढ़वाले में बाग लगो गढ़वाले में बाग लगो बाग की माटेरा कमजोर के बाद पहले बताइए आइए एक बार सब लोग यहाँ पर आएंगे
ये हमारे उत्तराखंड का सोशल मीडिया के माध्यम से और कई गानों में इन्होंने बहुत सुंदर सा अभिनय किया है और ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को आगे तो बढ़ा ही रहे हैं। रश्मि चंद्रा जी जिन्होंने पप्पू कार्की जी बसंती छोड़ी गीत राकेश खंडवाल जी भाई बहन का प्यार। हेलो, पहला और हम जिसको देखते थे रील में और टिकटॉक में स्टार हमारी भावना सिस्टर और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे सॉन्ग कर रहे हैं इन्होंने और हमारी शुभकामनाएं। पहली बार मुलाकात हो रही है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लगना भी आए थे बहुत बढ़िया लगना भावना पहाड़ी में बुलाया बहुत बढ़िया लगना अपने कल्चर के बहुत ज्यादा प्रमोट करे जिसके हम लोग कर लो तो इसी के योला करनी है गोम जाबे देख सा घा काटे लकड़ का सब चीज खुद काम करे चूल लिपे अपने भितौल लिपे बढ़िया के खौल लिपे बगाद में गौ जाए तो तुम इनके अपने ब्लॉग का माध्यम अपन हम चाहने हो मेरे ब्लॉग ले हां देख छो सब ब्लॉग देख तो बहुत बढ़िया लागो। अच्छा चलो ठीक भला लगा तुम्हें फाइनली भाभी के साथ अभी यहां पे और थैंक यू सो मच आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और
इनके व्लॉग्स भी मैं देखती हूँ, आपके व्लॉग्स भी देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ, सबके देखती हूँ। और थैंक यू सो मच इतनी दूर से यहाँ आए, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से कार्यक्रम हुआ हम लोगों का यहाँ पर, और बहुत सारे लोग आए थे, सभी लोग आए थे भावना से मिलके। आज मैं पहली बार भावना से मिली और मैंने भावना से बोला है कि हमारा अगला जो भी गाना होगा भावना के साथ हम लोग काम करेंगे जरूर। हम लोग हमेशा उसमें देखते थे ना, इंस्टाग्राम में ही देखते थे, सामने आज हम पहली बार मिले तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी लड़की है और बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसे दिखते हैं ना ये लोग उसमें रील्स में और कैमरे में, वैसे ही सामने भी है, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच, तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो आप व्लॉग्स इनके चैनल में भी देख सकते हैं, और इनके चैनल में हाँ मेरे चैनल में भी देख सकते हैं, दोनों में देखना, दोनों को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ जी बिल्कुल, ममता दीदी के साथ आज मेरी दूसरी मुलाकात है, बहुत अच्छा लगा आना से मिलकर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। आप पहले कौन सा लगाने मिले थे? दगड़ियों, अभी हम प्रोग्राम के बाद ही यहाँ पे डिनर करने के लिए आए थे, तो स्टाफ इनका काफ़ी अच्छा है और खाना भी बहुत अच्छा था, तो आप सभी लोग मिले इनसे, दाल भात होते हैं लगड़ फिर सब बिल्कुल घर वाला टेस्ट है, तो बहुत बढ़िया लगा तुम्हारे दरगाह सुनने का, दरगाह मंदिर भी है और आप ऐसे भी तारीफ है यहाँ पे सुनते हैं। क्रेजी किचन रुपये खंड बहुत बढ़िया हो यहाँ खाए हुए क्रेजी है जला देंगे खेड़ा में, तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल हॉस्पिटल में, सेंट्रल हॉस्पिटल है किप्त समुंड में। ओके चलो नहीं वीडियो बना रही नया गाना है यार, सुना नहीं आप लोगों ने? आपने रील बनाई क्या? बनाओ बनाओ, हाँ हाँ तुरंत बनाओ, जल्दी बनाओ। तो इसका नया गाने आया है भगावे, प्यारी प्यारी भगावे, छोटी बहन भावना, आप अपने आप को भी ले लो, बहुत बड़े फैन हैं, पंकज भी हमारे साथ ले रहे हैं आप, और रामपुर के हैं, और भावना एक बार ही भटकते भटकते रामपुर आ गई थी, इनके ब्लॉग में मैंने देखा, हाँ श्यामा। तो एक वाक्य मैं शेयर करता हूँ, जब रीना गाना लॉन्च हो रहा था तो संदीप दा ने फ़ोन करके मुझे जिम्मेदारी दी कि भला लॉन्च करना है इसको, मैंने कहा ठीक है, तो हल्द्वानी में ही एक रेस्टोरेंट में उसको लॉन्च करा, तो पास में एक प्रिंटिंग प्रेस वाला था, तो उससे जब हम पोस्टर बना रहे थे, हमने लगभग 10-15 पोस्टर बनाए थे, तो जब मैं उसके पास गया और जब उसने फ़ोटो देखी उसमें भावना की, तो उसने कहा कि हम भावना के बहुत बड़े फैन हैं और ये जो पूरे पोस्टर हैं ये मेरी तरफ से, तो ऐसे फैन हैं तो पोस्टर का खर्चा अपना, हाँ एक साल हो गए, और वो उसका उसका खर्चा नहीं लिया, उसका खर्चा नहीं लिया, खर्चा आपने संदीप से लिया होगा या क्यों? ये बात सीक्रेट है, ये हम वीडियो में नहीं बताएं तो बेहतर। जिन्होंने भी पोस्टर बनाया था, ओखलकांडा प्रिंटिंग प्रेस, ओखलकांडा के ओखलकांडा प्रिंटिंग प्रेस वाले भाई साहब, तो उन्होंने ये करा, और उसके बाद उन्होंने कई बार मुझे मैसेजेस भी करे कि मिलना है करके, आज तो खैर मैं भूल गया उनको बताना, वरना वो जरूर आते, पर ये यादगार रहेगा जो ब्लॉग में बोलता, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फाइनली मैं जो है अभी रूम पे पहुंच चुकी हूं अपने, और प्रोग्राम जो है बहुत ही अच्छा हुआ, सभी लोग काफ़ी अच्छे थे, और बहुत ही पप्पू दा के गाने, मतलब उनके गाने जितने, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब इतना सुकून मिलता है उनके गाने सुन के, तो आज पूरे सभी लोगों ने उनके ही गाने गाए, तो मतलब एक भी ऐसा गाना था जो मुझे याद नहीं था, सारे गाने जितने भी वहाँ पे परफॉर्म हुए पप्पू दा के, वो सारे गाने मुझे याद थे, और मतलब बहुत ही अच्छा लगता है उनके गाने सुनना मुझे, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है, सभी लोग काफ़ी अच्छे थे। तो फाइनली अभी बहुत ही बारिश हो रही थी बाहर, तो बाप रे हल्द्वानी में ख़तरनाक बारिश हो रही है, सुबह भी बारिश हो रही थी जब मैं जा रही थी, और अभी आते वक्त भी बारिश हो रही है। तो थैंक यू सो मच मुझे पप्पू दा के इस इवेंट में, मतलब इस कार्यक्रम में बुलाया, समारोह में बुलाया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, कहीं ना कहीं मैं उनसे किसी न किसी रूप से जुड़ी एक उनके प्रोग्राम के हिस्से उससे, क्योंकि मैं उनके गाने बहुत सुना करती थी और अभी भी सुना करती हूँ उनके गाने, उनके और सुना करती रहूँगी, हमेशा सुनती रहूँगी, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि कम से कम उनके एक कार्यक्रम में मुझे ऐसे आमंत्रित किया।
दगड़ियों, अभी मैं जो है हल्द्वानी से आ रही थी, तो हल्द्वानी वाली बस में भी काफ़ी लोग मिले, पर दिल्ली वाली बस में मुझे, मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को मिलेंगे दिल्ली वाली बस में, और अचानक से उनका बैठना हुआ बहुत, मैं तो देख के चौंक गई, वही मतलब पहाड़ी, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि मैं इनके संग बैठी हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, मतलब कि पूछो मत कि कितनी खुश हूँ मैं, घर में भी जाके बताऊँगी तो सब, मैं तो देख के मुझे तो, मैं तो इनके आँखें देख के ही पहचान गई आप, मास्क लगा रखा था मैंने गाइस बहुत बहुत अच्छी हैं, इनको सपोर्ट करो, हमारा उत्तराखंड का नाम रोशन कर रही हैं, और कितनी अच्छी बात है कि इनका बिहेव बहुत अच्छा है, जैसे जिस तरह से मैं इनके पास आके बैठी, बहुत अच्छे से बात की, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब कि पहाड़ी लोग होते ही ऐसे हैं, हाँ मतलब कि घुल मिल जाते जल्दी, और ये तो बहुत अच्छी हैं, मैं तो इनकी वीडियो देखती थी, कभी सपने में सोचा भी नहीं था मैं इनसे मिलूंगी, बाय द वे मेरे बॉय लुक के फैन हैं, लड़के वाले लुक में ज़्यादा पसंद, हाँ हाँ जिनको लड़के वाले, मैं तो क्रश, एक होता ना क्रश वो था, बट अब सामने देख लिया ना, बहुत अच्छी हैं बहुत ज़्यादा, थैंक यू मैंने आते वक्त कोई व्लॉग बनाया नहीं, इसको मैं पप्पूदा वाले व्लॉग में ऐड कर दूंगी।